कि यह एक हफ्ते में बनी सड़क है, देखिए आप सफ़ेद यहाँ काले दिख रहे हैं तो यहाँ सफ़ेद कंकड़ दिख रहे हैं। इस स्थिति से यदि कार्य होगा, निर्माण कार्य होगा, तो यह सड़क 7-8 दिन में ये हाल है, तो यह स्थिति है। इस प्रकार से गिट्टी का उजड़ना क्या प्रदर्शित करता है, सरकार की जो गड्ढा मुक्त अभियान है इसको यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के नेता, सड़क जो बनी है क्या ये अच्छी बनी है? ये बिल्कुल ख़राब है। ये कितने दिन हुआ है? एक हफ्ते नहीं हुआ। थर्ड क्लास की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि तारकोल वगैरह जो पड़ता है उसमें बहुत कम मात्रा में लगाए थे। सारी समस्या बताई इस रोड के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, आज तक उस पर अभी तक कोई उस पर कोई मतलब अधिकारी ना तो आया, ना तो कोई PWD का आया, ना कोई इस पर फिर से रोड के निर्माण। चैनल के माध्यम से मांग करना चाह रहे हैं कि कम से कम IGRS पोर्टल पर जो भी समस्याएँ डाली जाएँ उसका निराकरण होना चाहिए। हम आप तक चैनल के साथ इस समय जनपद अंबेडकर नगर के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र के एक मुख्य नहर के मार्ग पर हूँ। आप देख सकते हैं यह डबल नहर है, बड़ी नहर है जो यहाँ से करीबन 20 गांव को जोड़ती है। ये जो सड़क है यह रफ़ीगंज होके निकलती है, यह मुख्य मार्ग जो है रफ़ीगंज निकलती है, लेकिन रफ़ीगंज के पहले करीबन सैकड़ों गाँव को यह सड़क जाती है। यह सड़क अभी जल्दी ही तकरीबन यहाँ सूचना मिली है या बहुत जल्दी बनी है, तो अभी एक महीने नहीं हुए हैं। और इस सड़क की गुणवत्ता की मैं बात करूँ, इस सड़क की गुणवत्ता को मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया गया है। आप ये देख सकते हैं गिट्टी इस प्रकार से हाथों में आ रही है। यह एक जगह की हाल नहीं, यह करीबन 2-4 किलोमीटर की बात नहीं है जहाँ तक यह सड़क बनी है। पूरी सड़क की दशा यही है कि कोई भी हाथों से इस गिट्टी को बटोर सकता है। यहाँ के ग्रामीणों ने जगह जगह शिकायत भी किया, सुनने में आया कई ग्रामीणों ने शिकायत किया। हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ के ठेकेदारों ने इसमें जालसाजी किया है। आप देख सकते हैं ये स्थिति है। इस प्रकार से गिट्टी का उजड़ना क्या प्रदर्शित करता है, सरकार की जो गड्ढा मुक्त अभियान है इसको यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के नेतागण किस माध्यम से पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। हम आपको उनसे भी मिलाएंगे जिन्होंने इस बात को लेकर शिकायत किया है, जिन्होंने इस जब यह सड़क बन रहा था उस समय भी विरोध किया, लेकिन वह विरोध आगे तक नहीं गया। हमें सूचना मिला है कि IGRS के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश सरकार की एक सुविधा चली है उसके माध्यम से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ। ठेकेदार 50% खाया कि 80% खा गया, इसमें से तारकोल पी गया, क्या हुआ, कितने मटेरियल को वह खा गया, बेच गया, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ के आम इंसान, यहाँ के आम नागरिक क्या कहते हैं लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोग आते जाते हैं कि यह सड़क कितने दिनों से बनी है। चाचा ये सड़क कहिया बन ली है? अभी ज़्यादा से ज़्यादा 1-10 दिन फिर बस। 1-10 दिन हुआ है? बस 1-10 दिन हुआ है। क्या नाम है आपका? लालमन। लालमन जी हैं, यहाँ देख रहे हैं कि नहरों में पानी आया है तो लोग मछली को पकड़ रहे हैं। इनका कहना अभी 1 हफ्ते हुआ है, हमको तो लगा 1-2 महीने हो गया, लेकिन नहीं, यह गलत है। क्या नाम है आपका? अजय। अजय भैया, ये सड़क कब बनी है? अरे 8 दिन हुआ है। 8 दिन हुआ है। इस प्रकार से यह जो है देख रहे हैं गिट्टियां हाथों में आ रही हैं, लोग यहाँ गिर भी रहे हैं, जो है क्या कहेंगे इस पे? क्या हम सही से बना है सड़क? अब तो आप देख रहे हो ना उसको। राजू भैया, ये सड़क जो बनी है क्या ये अच्छी बनी है? ये बिल्कुल ख़राब है। ये कितने दिन हुआ है? 1 हफ्ते नहीं हुआ। क्या मांग करते हैं आप? मांग क्या कहेंगे, मांग जो है इससे दोबारा बनाया जाए, रिपेयर किया जाए। देखिए अभी राजू भैया ने निवेदन किया है कि इसे रिपेयर किया जाए। यहाँ पर स्थानीय लोगों से यह भी पता चला है कि इस सड़क पर आए दिन दुर्घटना भी होती रहती, कारण इस सड़क का जो है घटिया तरीके से निर्माण होना। और इस सड़क पर इतने गड्ढे थे, मैं आपको अवगत करा दूं, जनपद अंबेडकर नगर में भाजपा शासन लगभग आज एक पंचवर्षीय व्यवस्था मुख्यमंत्री जी की चली गई, गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चला, उसमें यह सड़क गड्ढे में तब्दील थी। लेकिन जब इसका नवीनीकरण हुआ, जब मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के तहत गड्ढा मुक्त सड़क अभियान के तहत इस पर जो है गिट्टियां पड़ी, तो गिट्टियों की हाल देखिए। ये मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि यह 1 हफ्ते में बनी सड़क है, देखिए आप सफ़ेद यहाँ काले दिख रहे हैं तो यहाँ सफ़ेद कंकड़ दिख रहे हैं। इस स्थिति से यदि कार्य होगा, निर्माण कार्य होगा,
तो यह सड़क 7-8 दिन में ये हाल है तो यह कितने वर्ष चलेगी? क्या मुख्यमंत्री जी हर महीने फंड इस सड़क पर पास करेंगे? क्या व्यवस्थाएं हैं? मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा जिन्होंने IGRS के माध्यम से जो शिकायत दर्ज कराई है, जिन्होंने इसको मरम्मत करने की मांग उठाई है। मैं ऐसे भी व्यक्ति से आपसे बात कराऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। नाम है भाई साहब आपका? निर्दोष मौर्या। निर्दोष मौर्या जी, क्या समस्या आई है? आज आप सड़क पे खड़े हैं तो क्या समस्या आ रही सड़क? जब ये रोड बन रहा था तभी से हमने देखा इसमें एक दशम थर्ड क्लास की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि तारकोल वगैरह जो पड़ता है उसमें बहुत कम मात्रा में लगाए थे, और यहाँ जो पहले से ज़्यादा गड्ढे जहाँ थे उसमें ये भट्ठे से लाके जो सबसे थर्ड क्लास की ईंट होती है जो टुकड़ी टुकड़ा होता है उसी को लाके उसी में भर के ऊपर से दबाए भी नहीं, ऊपर से तारकोल बिछाते हुए आगे बढ़ते चले गए। निर्दोष जी, क्या कार्रवाई अभी तक आपके माध्यम से की गई? मैंने IGRS पोर्टल पे फ़ोन किया था, उसके बाद वहाँ से एक बार फ़ोन आया 3-4 दिन बाद, मेरे से पूछा गया क्या समस्या हो रही। मैंने अपनी सारी समस्या बताई इस रोड के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, आज तक उस पर अभी तक कोई मतलब अधिकारी ना तो आया, ना तो कोई PWD का आया, ना कोई इस पर फिर से रोड के निर्माण में कोई सहायता मिली या ना तो करवाया गया कुछ। अभी तक वो रोड ऐसे ही जर्जर है। जर्जर है, कितने दिन हुए हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता से 10 दिन हुआ होगा इस रोड बने हुए। जी, तो कितने गांवों को, लगभग कितने बाजारों को यह जोड़ता है? लगभग यहाँ से रफीगंज, इधर बंदीपुर, इधर पीछे मुढ़ेरा, काफ़ी कम से कम टोटल यहाँ 100 गाँव से ज़्यादा ही होंगे टोटल मिला के। जी। जो ये मेन मुख्य मार्ग है ये जो रफीगंज को जाता है और इधर मुड़े। के माध्यम से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम चैनल के माध्यम से मांग करना चाह रहे हैं कि कम से कम IGRS पोर्टल पे जो भी समस्याएं डाली जाए उसका निराकरण होना चाहिए।